Assalamu alaikum, grade 10. How are you? I hope all of you are fine, healthy, wealthy, safe, and sound. I hope all of you are attending your school regularly and that you are being obedient to your parents and praying your salah regularly. नदीम with your English lessons. और हमेशा की तरह आज का लेसन शुरू करूंगी आपको यह समझाने के लिए के एक अपना पूरा एक बनाओ ठीक है और उस स्कैडूल को रिलीजियसली फॉलो करो चलो लेट स्टार्ट टूडेज लेसन विदाउट मच क्या कह रहे बोर्ड आपको बोर्ड आपको ये कह रहा है कि आज आप करेंगे अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर टू दैट इज द चाइनीज़ न्यू ईयर, ठीक है और पेज नंबर है उसका 15 से राइट? Right? तो शुरू करें अपना यूनिट नंबर टू द चाइनीज न्यू ईयर सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई गिवेन यू द ट्रांसलेशन ऑफ ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स बिकॉज ट्रांसलेशन कैरी वेरी मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पेपर का एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको तीन पैराग्राफ्स दिए होते हैं और आपसे ये कहा जाता है कि इन तीन में से किसी भी दो की ट्रांसलेशन कर दें ये पैराग्राफ्स आपकी टेक्स्ट बुक आपकी यूनिट्स से आते हैं और हर पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कैरी करती है फोर मार्क्स यानी एट मार्क्स इन ऑल तो ये ट्रांसलेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है पेन्स निकालिए पेंसिल्स निकालिए अपनी बुक खोलिए और जैसे जैसे मैं लफ्ज़ आपको पढ़ के सुनाती जाती हूँ उनके मायने आपको बताती जाती हूँ उनको नोट डाउन करते जाएं, ठीक है तो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन एंड देन आफ्टर फिनिशिंग द ट्रांसलेशन आई विल बेसिकली गिव यू ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्पेसिफिक यूनिट सेलिब्रेट जश्न मनाना कंसिडर समझा जाता है गैदरिंग इजतमा डिस्प्ले जाहिर करना अलामती ट्रडिशनल रवायती करना fall गिर पड़ना रस्मी थौरली मुकम्मल एक्सीडेंटल हादसाती तौर पर थ्रो फेंकना फॉर्च्यून किस्मत एसोसिएशन तक वार्डिंग ऑफ भगाना बैट्स बदरूहें पसंदीदा हैंग टांगना कॉमन प्लेस आम ईव मौका प्रोस्पेरिटी खुशहाली लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा अरसे रहने वाला टिपिकल मिसाली स्पेसिफिक महसूस प्रीवियस गुजशा ये थी वोकैबलरी मीनिंग्स इस पोर्ट की मैंने आगे फर्दर आपको कुछ और वोबलरी मीनिंग्स लिख के दी हैं फर्स्ट आई रीड एंड देन आई गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिट राइट ज हौसला अफजाई करना एसोसिएट मुंसलिक पार्ट एक हिस्सा लेना एक्चुअली दरअसल क्लियर आउट साफ करना सेलिब्रेशन तक फोकस तवजा मरकूज करना सिम्बोलाइज अलामत होना साइकिल चक्कर ठीक है ये तमाम वोकेबलरी मीनिंग्स आपको मैंने लिख दी हैं आपको मैंने बता दिया है कि आपका ट्रांसलेशन का एट मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें से कहीं से भी कोई भी पैराग्राफ वो देते हैं तो आपने अपने इस स्पेसिफिक यूनिट की तमाम की तमाम जो पैराग्राफ्स है उनकी ट्रांसलेशन कर लेनी है आपने इसमें कोई रिस्क नहीं लेना आपने इसमें कोई चांस नहीं लेना और आपने इसको मुकम्मल तौर पर ट्रांसलेट करना है ठीक है वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स मैंने बोर्ड पर लिख दी है अब दिस चाइनीज न्यू ईयर इज अबाउट चाइना सेलिब्रेटिंग द न्यू ईयर एवरी ईयर ठीक है आपको पता है चाइनीज जो है वो अपने ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो करते हैं एज कंपेयर टू आस जो बाहर के ट्रेडिशंस को ख़ुशी खुशी अडोप्ट कर लेते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर उनके लूनर ईयर पे डिपेंड करता है लूनर ईयर कौन सा होता है जो चांद का होता है आपको पता है कि हमारा जो चांद का साल है वो हर महीने की इस्लामी तारीख के साथ शुरू होता है इसी तरह उनका एक पूरा साल होता है जो कि लूनर कंप्लीट लूनर ईयर होता है लूनर ईयर जो होता है वो जनरली हमारे सोलर ईयर से या ग्रिकेरियन कैलेंडर से छोटा होता है लेकिन इनका चाइनीज न्यू ईयर यूजुअली एंड ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फेबर में फॉल इन करता है ये चाइनीज न्यू ईयर से पहले अपने घर को अच्छी तरह से साफ करते हैं ताकि घर में से जितनी भी बाट्स हो ठीक है उनको भगा दें ये चाइनीज अपनी वह जो घर की सफाई करते हैं वो न्यू ईयर ईव से पहले करते हैं ताकि बहुत अच्छी डिटेल में सफाई हो जाए ऐसा ना हो कि खुशकिस्मती की या कोई अच्छी चीज़ जो इनको बेटर लक ला सके वो भी साथ गिर जाए तो ये उसका बहुत ध्यान रखते हैं कि न्यू ईयर की ईव से पहले पहले इनका घर साफ़ सुथरा हो जाए इसके अलावा ब्लैक कलर नहीं पहनते क्योंकि ब्लैक कलर डेथ की अलामत होती है रेड कलर पहनते हैं क्योंकि रेड कलर जो होता है वो गुड लक का निशान होता है ठीक है और अपने न्यू ईयर ईव के डिनर के अंदर ये मोस्टली एट या नाइन डिशेस रखते हैं क्योंकि इनका ये मानना है कि नंबर एट और नंबर नाइन जो है वो खुशकिस्मती और लॉन्ग लास्टिंग को रिस्पेक्टिवली लेके आता है इनके घर में ज़्यादातर बैनर्स लगे होते हैं जिन पे लिखा होता है जिनका मतलब होता है गुड लक ओके आई वॉज एक्चुअली बींग बाई लिंग That which means and I said which का मतलब ठीक है तो उसका मतलब ये होता है कि गुड लक इसके अलावा छोटे बच्चों को रेड एंड पे मनी देते हैं ताकि उनके फ्यूचर में हमेशा उनके पास पैसे रहे अनमेरिड कपल्स को रेड कलर के गिफ्ट uh, देते हैं बॉक्सेस देते हैं और आपकी इलमैनड समझा जाता है अगर आप किसी के घर जाए वो आपको गिफ्ट दें और आप उन्हीं के घर खोल दें तो आप ऐसा नहीं करते ग्रैंड ग्रैंड दावतें करते हैं अपने न्यू ईयर की और उसको बहुत 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 इंजॉय करते हैं सेलिब्रेट करते हैं हर चाइनीज ईयर जो होता है वो किसी भी एनिमल का साल होता है और आपका जो एनिमल होता है यानी जिस साल आप पैदा हुए उस साल जो एनिमल का वो साल है अगर आप उसकी पिक्चर्स अपने घर में हैंग करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके अंदर उस एनिमल की बेहतरीन ट्रेड्स आ जाती हैं और आ यू वो एनिमल आपके लिए खुड लक लेके आता है ठीक है सो दिस वॉज द ब्रीफ रिकेपिटुलेशन ऑफ द लेसन आई हैव गिवन यू द वैबलरी मीनिंग आई होप दैट वाइल आई वॉज डूइंग द एक्सप्लेनेशन यू हैव कॉपी देम डाउन इन योर नोटबुक्स ठीक है अपनी बुक खोल के उसको साथ, साथ कॉपी डाउन कर लें वर्ड अंडरलाइन करें ऊपर मायने लिखें ट्रांसलेशन के, के लिए आसानी हो जाए नेक्स्ट टाइप ब्रॉडरी ग्लॉसरी मैंने क्यों लिखी है बोर्ड बोर्ड पे? पे मैंने बेटा इसलिए लिखी है कि ये जो glossary है इसमें से आपको आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ भी आ सकता है ठीक है द वर्ड से वर्ड एसोसिएशन मीन्स और आपको एमसीक्यूज दे दिए हैं ये बताने के लिए कि association का क्या मतलब है तो यू शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर नॉट टू मिस द ग्रॉसरी What I will do for you now is I am going to read the words, their meanings, and give you the sentences. So be very, very, very precise. Open up your ears, hold your pencils, be really vigilant and listen to what I am saying and copy them down. I always try to speak in a slow speed, not volume but speed, because I want you to copy down whatever I am saying, right? So, association is a feeling that is connected to a particular event. Okay. I have a very strong association with my school's annual plays. I enjoy playing a character on the stage and getting appreciation from all the audience. Okay. Or I have a strong association with my school's annual sports day i always run in the races and i always win so i enjoy this event a lot celebrations party or a special event where you celebrate something the birthday celebrations lasted the entire day each celebrations lasted for 3 continuous days right we'll speak about our own customs okay the new year celebrations usually last for a week the Chinese celebration of their new year usually lasts for a month, right? Gatherings being together, coming together of people or families. Our family is a very huge one. There is always a gathering at somebody's place on weekends. Okay? We belong to a very huge family and so. Our weekends are always spent in gatherings around our family. Right? Customary. Usual for somebody. It is customary of him to sleep during lessons. kaun so hai class lessons It is customary for Pakistanis to celebrate their Eid with zeal and ceased. Luna relating to the moon. Idul Azha comes on the tenth of the lunar month of Silhaj. Right? Partake. Take a part or share in. We all partook in the charity campaign for the orphans. Tike hamneus partake. I had encouraged everybody. To partake in the charity competition or in the charity campaign. Right? So far, these words. Let's move on to the rest of the words, finish the glossary off and go to the vocabulary of this specific chapter. Recipient is a receiver. The recipient of the kidney was in a very critical condition until his body accepted the donation reinvigorates we must reinvigorate the feeling of patriotism in order to make our country prosper traits he has all the traits of a successful lawyer symbolize

कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उस ऑब्जेक्टिव पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं तो हम इनको मिस नहीं कर सकते आई होप दैट यू आर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस विद मी एंड आई होप दैट यू आर नोटिंग डाउन द मीनिंग्स एज वेल सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ वोकैबुलरी एक्सरसाइज ए दैट इज आस्किंग यू टू कंस्ट्रक्ट नो दैट इज नॉट आस्किंग यू टू कंस्ट्रक्ट दैट इज आस्किंग यू टू राइट द मीनिंग्स बट i will construct the sentences right gatherings tamat, assembly for gatherings it can be we have attended at least 5 gatherings this week and so we are very tired of eating heavy food ich tamat, assembly the principal gave a speech in the assembly the difference dekho gathering or assembly customary conventional it is a customary habit of Pakistanis to make sevanya, vermicelli, on the day of the Eid. And conventional, this is a conventional habit of all the Pakistanis. It is a conventional habit of Pakistanis to litter on the outside, right? Thoroughly. You must complete the lesson thoroughly. In order to not lose any single marks. Completely. It was completely out of order. So I had to take my watch to the repair shop. Commonplace Amriwaj Average. It is a common place in Pakistan to greet their guests with hospitality. Right? An average. An average Pakistani works for six to seven hours a day. Partake and participate. Partake, I have given the sentence very recently. We all partake or we all partook in the charity campaign. And participate, I will participate in all the co or extracurricular activities this year. Traits and characteristics. Traits, I have given you the sentence right away, but I am repeating. He has all the traits of being a good lawyer and characteristics. His unique characteristics always make him highlight or stand out in front of a crowd. Okay? Reinvigorate or strengthen. We must reinvigorate the feeling of patriotism, the sign of patriotism in order to help the country prosper. We must strengthen ourselves and be united in front of the enemies. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर बिलविड होमलैंड ठीक है दिस वॉज ऑल फॉर एक्सरसाइज ए जहाँ आपको वर्ड्स दिए हुए थे आपने मीनिंग्स लिखते थे मैंने आपको इंग्लिश उर्दू दोनों में मीनिंग्स लिख के दिए हैं और वर्ड और उसकी मीनिंग दोनों के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करके दिए हैं आपकी एक्सरसाइज बी आपको ये कह रही थी कि आपने ये जो वर्ड्स हैं इधर उनके आपने नाउन्स फॉर्म करने हैं और फिर आपने उनके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो गैदर का नाउन क्या होगा गैदर का नाउन होगा गैदरिंग ठीक है देर वॉज अज गैदरिंग एट द पार्टी देर वॉज अज गैदरिंग एट द पार्टी ठीक है Symbolic Symbolism Hemingway has used Symbolism <coughs> Hemingway has used Symbolism in a lot of his stories Prosper, prosperity We must work hard, we must work harder and longer in order to bring prosperity to Pakistan okay? Decoration. It was decorate and my mistake I've written decoration decoration is the noun the house was filled with the house was filled with shining decorations or filled with bright shiny decorations tickle okay? encourage and encouragement a little encouragement टर सक्सेस ठीक है मैंने आपको वर्ड्स के नाउन्स बना दिए और उन नाउंस के सेंटेंसेस कंप्लीटली बोर्ड पर नहीं लिखे लेकिन कंप्लीटली बोले हैं तो आई होप की यू विल डू सो एज वेल लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वोकेबलरी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चाइनीज यू यूनिट टू Translation, right? The last question asks you to translate this paragraph. ठीक है, मैंने paragraph आपको लिखा है. Live translation करती हूँ ताकि आपको in helping words के साथ जो मैंने आपको lesson की beginning में दिए थे, इस paragraph की translation करनी आए. हमेशा ये याद रखिएगा बेटा कि sentence हाय आकी जो है, वो urdu में different होती है, English में different होती है. जरूरी नहीं है कि जिस तरह हम उर्दू में सेंटेंस शुरू करें इंग्लिश में भी वैसे ही सेंटेंस शुरू किया जाए ऐसा नहीं होता इंग्लिश का सेंटेंस डिफरेंट तरीके से शुरू होता है जैसे ही कहते हैं ना इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनविलोब्स फिल्ड विद मनी इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर ठीक है उन्होंने यहाँ से ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से किया लेकिन उर्दू में हम यहाँ से करेंगे ठीक है आने वाले साल खुशहाली और दौलत को हासिल करने के लिए बड़ों का एक रिवायती तरीका है कि वो बच्चों को लिटिल रेड एंड छोटे सुर्ख लिफाफे फिल्ड विद मनी पैसों से भरे हुए ठीक है देते हैं ठीक है आने वाले साल की खुशहाली के लिए बड़ों का रिवायती तरीका यह है कि वो बच्चों को सुर्ख छोटे लिफाफे पैसों से भरे हुए देते हैं जो के सिंबलाइज करता है जो के निशानदेही करता है उनके एक खुशहाल और बेहतर जिंदगी ठीक है इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट लिटिल रेड सॉरी प्रेजेंट रेड पैकेज टू द अनमेरिड मेम्बर ऑफ द फैमिली बड़ों की एक और रिवायत यह भी है कि वो देते हैं सुर्ख डब्बे कमारे लड़के और लड़कियों को ठीक है खानदान के कमारे बच्चों को बड़ों की एक रिवायत ये भी है कि वो खानदान के कुवारे बच्चों को सुर्ख रंग के डब्बे तोहफे में तोते है को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक के वसूल कनंदा तोहफा देने वालों के घर से बाहर ना निकल जाए उनका घर छोड़ ना दे ठीक है वर्ड्स मैंने सारे आपको लिख के दिए हैं ट्रांसलेशन वर्बली कर दी है बोर्ड पे नहीं लिखी लेकिन आपने इसकी ट्रांसलेशन अपनी टेक्स्ट बुक में और अपनी नोटबुक में जरूर करनी है कंप्लीट करें आज का लेक्चर रिकैपिटुलेट करें आज के लेक्चर को वॉट डिड वी डू टुडे वी रेड लर्न एंड हर्ड द एसेंस द बेसिक थीम ऑफ यूनिट टू द चाइनीज न्यू ईयर we did the translation a lot of it one paragraph in fact one complete paragraph we did the glossary their sentence structure we did uh, vocabulary exercise a b and c i hope that you are going to do that all in your notebooks and i hope that you are going to enjoy your life padte Parna parna is important faiza nadim signing off from now and inshallah we'll meet soon again with a fresh lecture allah hafiz